बच्चों नमस्कार, ठीक हैं आप? और सुनाइए, क्या आपने पूरा हार्मोन वाला चैप्टर, आपने कौन से हार्मोन वाला, हमने प्लांट और एनिमल सब कुछ याद होने चाहिए भाई आपको। अब तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए वरना आपके एग्ज़ाम के दिन ना हाथ पैर फूल जाएंगे, आप टेंशन में आ जाओगे उस दिन। तो अगर आपको टेंशन से बचना है तो प्लीज़ आप रिवीजन रखिए, बस रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। आइए, अब हमें पढ़ना है बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि बॉडी के अंदर दो ही कंट्रोल सिस्टम है, एक तो हार्मोन वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक है न्यूरल सिस्टम। तो हमें पढ़ना है न्यूरल सिस्टम वाला, तो हेडिंग डालिए न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे हमारा न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। तो आप जानते हैं न्यूरल सिस्टम मतलब ये हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी बॉडी से मैसेज भी रिसीव करता है और मैसेज भेजता भी है, रेगुलेटरी मैसेज भी भेजता है। जैसे कोई हमारे हम और आप आँख बंद करके बैठे हैं, कोई चीज़ हाथ पर टच हुई तो हमें एकदम महसूस होती है, क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन्स, जिसका स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हैं, ये न्यूरॉन मैसेज लेकर के ब्रेन में आते हैं और ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग वाली साइट है, वहाँ पर इस इम्पल्स को, इस वेव को, इस मैसेज को प्रोसेस किया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है हमारी बॉडी, रेस्पॉन्स देती है। तो किसी ने यहाँ पर मान लीजिए हमें हम बंद करे बैठे थे आँख, किसी ने ओलपिन चुबाई, एकदम ब्रेन ने मैसेज किया आँख खुलेगी, सामने देखा कोई अनजान आदमी था तो आप कुछ भी बोल देंगे, यहाँ मसल्स मोड़ आएगा, मार भी देंगे। लेकिन आपने देखा कोई, ये तो भाई घर का ही मेम्बर है, तो आप सिर्फ कह के छोड़ देंगे या इग्नोर कर देंगे। तो मैसेज लेने के बाद क्या रेस्पॉन्स हमारी बॉडी करेगी, ये डिसाइड कौन करता, हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। तो ये अकॉर्डिंगली मैसेज भेजता है। और न्यूरल सिस्टम किससे बना है, आपने कहा गुरुजी ये तो न्यूरॉन से ही बना है, और हमने कहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप भाई देखो पहले से जानते हो, इसको तो आप मना मत करना, देखो पहले सिखा रखा हमने आपको। तो न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या करते हैं, यही भाई डिफरेंट स्टिमुलाई, चाहे वो टच का स्टिमुलस है, चाहे कोई केमिकल का स्टिमुलस है, चाहे लाइट का स्टिमुलस है, आँखों में लाइट को रिसीव किया जा रहा है न्यूरॉन के द्वारा, कान में वाइब्रेशंस का हो रहा है, साउंड का हो रहा है, तो ऐसे ही न्यूरॉन्स डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। और ये जो न्यूरल सिस्टम है, इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे हाइड्रास में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान करा दें, जब भी आप न्यूरॉन पढ़ें तो ऐसी स्ट्रक्चर दिमाग में ले आएं, भाई ऐसी स्ट्रक्चर दिमाग में ले आएं, ये तो आपके ध्यान होगा ना, आपने कहा हाँ जी ये तो हमें ध्यान है, तो हमने ये लिया ना, याद करो ये सेल बॉडी है और ये इलोंगेटेड पार्ट एक्सोन है, दिस इज द एक्सोन है। न्यूरल सिस्टम is very simple in lower invertebrates, like hydra। हाइड्रा आप पहचानते हैं, ये टेंटेकिल्स हैं,
टेंटेकल्स में इसके डिफेंस ऑर्गन भी थे नीडोब्लास्ट, इसलिए अपने निडेरियंस भी कहते थे, याद करिए। एक ही ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से इंजेशन होता है, इसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकलता है, और इसी ओपनिंग को आप कह रहे थे हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। और आपने पढ़ा था क्योंकि फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है तो सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। इन पे निडेरियंस थे, सॉरी नीडोब्लास्ट थे, इसलिए इन्हें निडेरियंस भी कहते हैं। तो ये ओपनिंग थी। और आपने पढ़ा था इनके अंदर एक कैविटी भी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसी में वाटर आता है न्यूट्रेंट लेकर, और यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रेंट का, एलिमिनेशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का, यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है इसी कैविटी के वाटर से ऑक्सीजन का, और इन्हीं सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर आपने फोर्थ चैप्टर में ये भी पढ़ा था, पिछले साल की बात है, बहुत पुरानी, पर आपने रिविज़न करा होगा तो सब याद है, कि सिलेंट्रेट्स एंड निडेरियंस की दो फॉर्म हैं, दो बॉडी फॉर्म्स हैं, एक सिलेंड्रिकल है पॉलिप और एक अम्ब्रेला टाइप है मेड्यूसा। और कुछ निडेरियन तो ऐसे होते हैं भाई जीवन भर पॉलिप में रहते हैं, जीवन भर मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बदल भी लेते हैं, पॉलिप से मेड्यूसा पैदा हो जाते हैं और मेड्यूसा से पॉलिप पैदा हो जाते हैं। आपने कहा इसे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, हम यहाँ से मेटाजिनेसिस बोलते हैं टेक्निकली, तो याद रखा करो सारी बात। लेकिन फिलहाल हमारा आज का टॉपिक अलग है। तो ये जो इसकी वाल है हाइड्रा की, इसमें बस न्यूरॉन लंबे लंबे ऐसे नेटवर्क बना रहे हैं, ऐसा धागा है, यानी नेटवर्क न्यूरॉन्स का ऐसा धागा बना हुआ है। आपने न्यूरॉन का धागा बना हुआ है, हमने हाँ जी न्यूरॉन धागे जैसे हैं, ये बस एक जाल बना हुआ है इसकी वाल में, इसकी दीवारों में। तो जो ये नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, यही इसका नर्वस सिस्टम है, यही इसका न्यूरल सिस्टम है। न्यूरल सिस्टम को ही आप नर्वस सिस्टम कहते हो। तो इसके नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये तो वर्टिब्रेट की बात है, ये तो हम ह्यूमन की बात है कि हमारे अंदर प्रॉपर ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, फिर उनसे बहुत सारी नर्व पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। हम यहाँ भी टच करें, पैर के नीचे तलवों यानी सोल पे भी टच करें, तो हमें पता लगता है भाई किसी ने हमें टच किया है, तो वो तो हमारी और आपकी बात है। तो इनके अंदर क्या है, दिस इज द नर्व नेट, नर्व नेट। तो इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ए कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स विच फॉर्म ए नेट। तो नो ब्रेन ie. नो ब्रेन, बस इतना याद रख लें, नो ब्रेन। कई बार पूछा गया है कि हाइड्रा में ब्रेन है कि नहीं है, तो नो पे टिक लगाएंगे आप, ठीक है, ना तो डेवलप पे ना पार्सली डेवलप पे, है ही नहीं इसके अंदर। इंसेक्ट का अंदर क्या है, तो हमने पहले से नोट करो, फिर इंसेक्ट की बात करते हैं। आओ बच्चों जी, दो लाइन छोड़कर, इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच आप जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने, आपके सिलेबस में था, जिसका नाम जूलॉजिकल यानी साइंटिफिक पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना था। कॉकरोच न्यूरल सिस्टम, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनमें ब्रेन है, इनके अंदर गैंग्लिया है। आपने कहा गैंग्लिया क्या है, हमने कहा एंड अदर न्यूरल टिश्यूज हैं, क्योंकि आप जानते हैं 7 चैप्टर से न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में कुछ पैकिंग सेल्स होती हैं। यहाँ पर ये पैकिंग सेल्स आपने पढ़ी हुई हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स,
तो न्यूरोग्लिया सेल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में न्यूरोन ही नहीं आते, न्यूरोन के अलावा जो भी उसके सराउंडिंग में सेल हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, न्यूट्रिशंस दे रही हैं, उनको भी हम न्यूरल टिश्यूज मानते हैं। ब्रेन का और यानी नर्वस सिस्टम का या न्यूरल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं ब्रेन। तो ये कॉकरोच है भाई, साइड व्यू देख रहे हैं आप, उसका हेड है, ये उसका थोरेक्स है, पूरा पढ़ाया हुआ था हमने, ये उसका एब्डोमन है। तो दिस इज हेड, दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमन। तो ब्रेन तो उसके हेड में है। तीन गैंग्लिया, गैंग्लिया कहते हैं न्यूरॉन्स के गुच्छे को, न्यूरॉन्स के गुच्छे को। तीन गैंग्लिया उसके थोरेक्स में है और छह गैंग्लियोन उसके एब्डोमन में है। ये छह गैंग्लियोन है एब्डोमन में, थोरेक्स में तीन है, नीट में पूछा जा सकता है, और ये उसका ब्रेन है। तो ब्रेन से ही मैसेज जाता है पूरी बॉडी में, तो उसके लिए यहाँ से ये न्यूरॉन ही, जब देखो न्यूरॉन, जब न्यूरॉन पैरेलली अरेंज हो, एक के बाद एक न्यूरॉन ऐसे पैरेलली अरेंज हो, तो इसे हम कहते हैं नर्व। तो दिस इज कॉल्ड नर्व, ये नर्व है। और जब बस ऐसे गुच्छा सा बना हुआ हो तो उसे गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लिया। और प्लूरल कहलाता है गैंग्लिया और सिंगुलर कहलाता है गैंग्लियोन, सिंगुलर कहलाता है गैंग्लियोन। तो भाई न्यूरॉन का गैंग है, न्यूरॉन का गैंग है, और जब गैंग बन जाता है तो लोइन की तरह धाड़ता है फिर वो, तो लोइन की तरह ताकतवर हो जाता है। तो न्यूरॉन ने गैंग बना के लोइन जैसी ताकत प्राप्त कर ली, तो गैंग्लियोन और प्लूरल हो गया गैंग्लिया, यानी इतनी ताकत आ गई जब एक से ज़्यादा गैंग्लियोन हो गए तो क्या कह रहे, जा तू भी गैंग्लिया, गैंग्लिया देख लेंगे किस में कितना है दम। तो गैंग्लिया, तो ये गैंग्लिया है, लेकिन ये गैंग्लियोन है, ये गैंग्लियोन है, ये गैंग्लियोन है, और ये सारे गैंग्लियोन इंटरकनेक्टेड हैं डबल नर्व कोड से। नर्व कोड मतलब न्यूरॉन से बनी हुई रस्सी, और डबल है, और आप जानते हैं ऊपर का हिस्सा डोर्सल है, नीचे का हिस्सा वेंट्रल है। तो वेंट्रल नर्व कोड है, नीट में आया हुआ है कि कॉकरोच के अंदर, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है ये, फिर भी हमें पढ़ाना तो पड़ेगा। इस चैप्टर में एक लाइन तो लिखी है कि इस कंसिस्ट ऑफ ये, पर कॉकरोच की पूरी डिटेल स्टडी हटा दी गई थी कि वेंट्रल है कि डोर्सल है। तो आप कहेंगे वेंट्रल डबल नर्व कोड, तो ऑल गैंग्लिया, चाहे वो थोरेक्स के थोरेसिक हो चाहे एब्डोमन के एब्डोमिनल हो, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय वेंट्रल डबल वेंट्रल नर्व कोड, ऐसे लिख लेते हैं, ये जरा ज़्यादा सूटेबल है। डबल है, दो बनाई है, डबल वेंट्रल सरफेस पर है नर्व कोड। तो दीज आर, फिर यहाँ से नर्व्स आ रही हैं पूरी बॉडी में, देखो। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी में नर्व फैली हुई हैं, और हमारी बॉडी पर कहीं भी कोई टच करे तो हमें पता लगता है, क्योंकि सारे में नर्व का जाल है अंदर। तो दीज आर एब्डोमिनल गैंग्लिया, दीज आर थोरेसिक गैंग्लिया, और ये ब्रेन है, ईसोफेगस से ऊपर है भाई, माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस है, उससे ऊपर है। तो दिस इज द ब्रेन, और इसका टेक्निकल नाम है सुप्रा ईसोफेजियल ब्रेन है, पर है तो ये भी नर्व का गुच्छा ही। सुप्रा ऊपर है ईसोफेगस से, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियोन, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन। तो इतना याद नहीं रखना मत रखो, पर आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि इंसेक्ट के अंदर ब्रेन है, गैंग्लिया हैं और अदर न्यूरल टिश्यू हैं, पर 11th में कुछ नहीं आने वाला है इसमें से, नीट में ज़रूर आ सकता है। लिखो जी, वाइल न्यूरल सिस्टम ओ वर्टिब्रेट्स
लाइक ह्यूमन। अब लाइक में तो वर्टिब्रेट में तो भाई फिश भी आती हैं, एम्फीबियन भी आते हैं, रेप्टाइल भी आती हैं, बर्ड्स भी आते हैं, पर हम ह्यूमन इसे लिख रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम तो ह्यूमन की बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। लाइक ह्यूमन्स इज हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड वाइल न्यूरल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन इज हाईली डेवलप्ड। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में क्या क्या है पहले जल्दी कॉपी कर लो प्यारे बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। आइए दो लाइन छोड़कर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड कर सकते हैं, नंबर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे आप कह सकते हो CNS और इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, यानी जो हमारी ब्रेन है जो इस क्रेनियम में ब्रेन बॉक्स में बंद है और एक जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ट्यूब जा रही है, एक रोड जा रही है, एक टेल जा रही है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो CNS कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। दिस इज द ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला और ये स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये ब्रेन हो गया, इतना हिस्सा तो ब्रेन हो गया। दिस इज द ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ये हो गया, पहले भाई इस बाहर ये डॉग कुछ ज़्यादा तंग कर रहा है, इसे ज़रा चुप करा के आते हैं। आ जाओ बच्चे, किसी को तंग कर रहा था, बहुत उस्ताद आदमी है ये, आइए। तो ये हमारा ब्रेन है, दिस इज़ द ब्रेन, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो दो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जिन्हें हमने पता नहीं कितनी बार आपको बताया है, आपको भी याद होगा कि भाई ये पोन्स है और ये मेडुला ओब्लोंगेटा है जिसमें बहुत सारे सेंटर हैं, याद करो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर्स हैं। तो दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला, तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं ब्रेन स्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन है और ये सारा CNS है, दिस इज द CNS। तो CNS के अंदर ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, आपने कहा ब्रेन स्टम, हमने तो ब्रेन का ही पार्ट है, तो दिस इज द CNS। तो CNS ही सारी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ यहाँ से प्रोसेसिंग और कंट्रोल यहीं से होता है। आप किसी को अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मुक्का मारते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सब यहीं से कंट्रोल है। तो CNS इज द, CNS इज द साइट ऑफ, साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस,
एंड कंट्रोल। दूसरा कौन सा पार्ट है भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम का? तो सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब PNS। इसमें तमाम नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पूरी बॉडी में से मैसेज ला रही हैं उन नर्व्स को, यानी कि वही न्यूरॉन्स के लंबे लंबे धागे। जो नर्व पूरी बॉडी से मैसेज ला रही हैं ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो नर्व PNS है। जो मैसेज लेकर जा रही हैं वो भी क्या है, वो भी PNS है। तो PNS के अंदर नर्व होती हैं। तो PNS कंप्राइजेस ऑल काइंड्स ऑफ नर्व्स। ये नर्व मैसेज लाते भी हैं और ले जाते भी हैं, ठीक है। तो दो तरह की नर्व होती हैं। एक तो होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। आपने कहा ये क्या चीज़ है, हमने चलो इससे पहले एक चीज़ और सिखा देते हैं। ये नर्व किससे बनी है, न्यूरॉन से बनी है, न्यूरॉन को नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है, नंबर एक। उससे पहले एक और बात सिखा देते हैं, आपने सिखाइए सर, हमने भाई ये आपका ब्रेन है, पोन्स मेडुला स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व, थोड़ा सा स्टाइलिस बना देते हैं, कुछ डोरीमोन का बन गया ये तो भाई, अरे डोरीमोन नाराज हो गए, ये लो। तो जो नर्व ब्रेन से आ रही है चाहे ब्रेन से जा रही है, ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड में से जा रही है या स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है वो स्पाइनल नर्व। तो नर्व तो मतलब हो गई न्यूरॉन के पैरेलल अरेंजमेंट्स, जिनका काम है मैसेज ले जाना या लाना बॉडी के अंदर CNS के अंदर। तो इतना हिस्सा तो हो गया भाई CNS, इतना हिस्सा हो गया PNS पक्की बात। जो मैसेज, ध्यान देखना, जो क्रेनियल यानी कि ब्रेन में आ रही हैं या जा रही हैं इन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं या जा रही हैं दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। कोर्स में नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए, आपके बॉडी में 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के, इजिकल टू करके लिख दें जी, 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के और स्पाइनल नर्व्स के हैं 31 पेयर्स। तो ये तो हो गया PNS और ये हो गया CNS। तो PNS एंड CNS, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के CNS। तो PNS का काम क्या है, मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन तक लाना, स्पाइनल कॉर्ड तक लाना यानी CNS तक लाना, और फिर CNS से मैसेज कहाँ तक ले जाना, ऑर्गन तक ले जाना। समझ में आ गई बात, जल्दी कॉपी करो बच्चों पहले इतनी बात। आ जाओ, एक फोन आ रहा है पर रिसीव नहीं करेंगे अभी, किसी कंपनी का लग रहा है, स्टूडेंट का होता तो एकदम कर लेते, वो रेड कलर में आते हैं ना स्पास्म करके। आई अब देखो, नर्व्स को कौन बनाता है, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स ऑफ नर्व्स। देखो नर्व्स तो हो गई न्यूरॉन, एक के बाद एक न्यूरॉन जुड़े हुए हैं तो नर्व हो गई। ये नर्व फाइबर्स हैं। तो नर्व फाइबर्स ऑफ नर्व्स आर ऑफ टू काइंड्स। कौन से दो काइंड, नंबर एक एफरेंट
नर्व फाइबर्स। जब आप किडनी वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो हमने एफरेंट का मीनिंग सुनाया था कि आने को एफरेंट कहते हैं। तो जो भाई फ़ोन बार बार आ रहा है, सुन ही लेते हैं पहले। हेलो जी जी नहीं नो प्लीज आई। तो एफरेंट मतलब जो आने के लिए लगता है। तो जैसे ये हमारा CNS है, दिस इज द CNS। CNS है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। जैसे हमने यहाँ तक लगाया तो यहाँ से जो मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन में, जो लेकर के आएंगे मैसेज वो एफरेंट है, उन्हीं को सेंसरी कहते हैं। तो जो बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर आती हैं CNS में, उन्हें बोलते हैं एफरेंट। तो दीज आर एफरेंट, इन्हीं को बोलते हैं सेंसरी। तो ये क्या करते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स कंडक्ट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू CNS। फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी जो भी मैसेज आया, और प्रोसेसिंग में ये हुआ कि भाई चलो इग्नोर कर देते हैं या ऐसे मार देते हैं, जो भी होगा। तो यहाँ से मैसेज जो लेकर जाएंगे बॉडी पार्ट्स तक, जो यहाँ से मैसेज लेकर जाएंगे बॉडी पार्ट्स तक, तो वो कहलाएंगे। अब ये नहीं कि इसी में लेके जाएंगे, कहीं भी लेके जा सकती है तो दूसरे में दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैसेज आएगा तो मैसेज यहीं पर आएगा, हिसाब में भी तो आ सकता है, मारेंगे तो हम हिसाब से। तो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स, ये गया जी मैसेज। तो जो मैसेज लेकर जाए इफ्रंट, तो आपको याद होगा नेफ्रॉन जो ब्लड वेसल आए एफ्रंट, और जो चली जाए इफ्रंट। तो आने के लिए मैसेज लाने वाली एफ्रंट, सेंसरी ले जाने वाली इफ्रंट। तो दिस इज इफ्रंट या मोटर। तो मोटर ब्रेन से मैसेज लाती हैं, CNS से मैसेज लाती हैं, और सेंसरी CNS से मैसेज ले जाती हैं। तो दूसरा टाइप है नर्व फाइबर्स का इफ्रंट। तो इफ्रंट नर्व फाइबर्स, कंडक्ट रेगुलेटरी। भाई फिर फोन आ रहा है, भाई क्या हो गया है आज? आज हमने अच्छा ओपन करके रख लिया भाई। हल भाई, इन्होंने कंपनी वालों ने तंग कर दिया, नंबर बदल बदल कर ना सुनते हैं ना कुछ, कैसेट लगा देते हैं कि आओ गुड़गांव में खरीदें प्लॉट, कर लो क्या करोगे। कंडक्ट रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक रेस्पॉन्स, एक ऑर्डर लेके जा रही है क्या करना है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम CNS टू बॉडी पार्ट्स। तो PNS को ध्यान में समझ लीजिए, PNS का काम है बॉडी पार्ट्स को और CNS को जोड़ना, कनेक्ट करना, CNS को और बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना। उनमें से कुछ नर्व का या नर्व फाइबर का काम है लाना, और कुछ का है ले जाना। जो ले जाएं वो इफ्रंट, और जो लाएं वो एफ्रंट। ठीक है, जल्दी पहले नोट करो, फिर PNS के दो टाइप पढ़ेंगे।
आ जाओ जी बच्चों, तो पीएनएस के दो डिवीज़न हैं। पीएनएस जब भी लिखा जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ठीक, और इसके दो डिवीज़न हैं हैज टू डिवीजन्स जब भी पीएनएस लिखेंगे होगा तो नर्व ही रेफर्स टू नर्व, जो मैसेज लाए सेंसरी एफरेंट जो ले जाए मोटर और इफरेंट जो क्रेनियल यानी ब्रेन से निकले या आए क्रेनियल 12 पेयर स्पाइनल कोड में आए या जाए स्पाइनल नर्व्स और 31 पेयर्स। तो एक तो हो गया सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक हो गया ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। हमने पढ़ा था कि जब 7 चैप्टर में थे कि हमारी बॉडी में तीन तरह की मसल्स हैं, एक तो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी विल पे काम करती हैं, एक स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के अंदर के पार्ट्स बनाती हैं इम्पोर्टेंट विसरल ऑर्गन बनाती हैं जैसे इंटेस्टाइन हो गई जो अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं लंग्स हो गए, तो वो हमारा कहना नहीं मानते। तो पीएनएस का काम है, देखो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, वो कन्फ्यूज़न हम चाह रहे हैं आपका कन्फ्यूज़न ही ना रहे। पीएनएस क्या है दिमाग में है नर्व्स, तो जो नर्व जो पीएनएस जो नर्व जो पीएनएस सीएनएस से मैसेज लाए स्मूथ मसल्स में वो सोमेटिक हो गया, जो लाए स्केलेटल मसल्स में वो नर्व्स वो पीएनएस जो मैसेज लेकर के आए सीएनएस से स्केलेटल मसल्स में वो सोमेटिक, जो लाए स्मूथ मसल्स में या विसरल ऑर्गन्स में यानी अंदर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट है पर वो कार्डियक मसल से बना है, तो जो विसरल ऑर्गन तक लाए जैसे हार्ट और या अंदर की स्मूथ मसल्स में लाए सीएनएस से मैसेज, वो हो गया पीएनएस तो है पर वो हो गया ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस हो चाहे सोमेटिक हो है तो वो पीएनएस ही, पीएनएस हो गया नर्व और नर्व का मैसेज है सीएनएस से मैसेज ले जाना या सीएनएस से मैसेज लाना, अब शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज और ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन और रेगुलेटरी इम्पल्स यानी कि ऑर्डर वाले कि क्या करना है इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, और ये स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं यानी हमारी इच्छाओं पे काम करती हैं, आप चाहते हैं तभी आप किसी को मुक्का मार पाते हैं, अपने आप ऐसे जाके नहीं लग जाता मुक्का, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई अपने आप जाके लग गया, हम मारते हैं तो लगता है, तो वॉलंटरी मसल्स हैं। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का काम क्या है, रिले या ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशंस या रेगुलेटरी इम्पल्स कहाँ से कहाँ फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। इधर आ जाते हैं ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल्स एंड विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट। तो जो मैसेज लेकर के आए इम्पल्स लेकर के आए फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल्स और विसरल ऑर्गन वो कहलाए ऑटोनोमस। पर हमने हार्ट में ये नहीं पढ़ा था, याद करो जरा, जब हर्ट का रेगुलेशंस पढ़ा था हमने कि ये ऐसे नोड है और ये CNS है, याद करो हमने सब पढ़ाया हुआ आपको, रजिस्टर में आपने नोट भी किया हुआ,
जरूरत पड़ने पर ऐसे नोड से कार्डिक इम्पल्स को निकलने की स्पीड को बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको नॉर्मल करने का काम करता है। जब हम बैठ जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, जब हार्ड वर्क करते हैं तो ऐसे नोड से इम्पल्स तेज़ी से निकलने लगती हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, और जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उसे नॉर्मल करने का काम। दूसरा था, आपने कहा याद तो आ रहा है सर, हमने नाम बताओ ना फिर, तो आपने कहा इसका नाम था जो नॉर्मल करता है हार्ट रेट को, पैरा सिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स। अब नर्व पीए जो पीएनएस है वो नर्व्स ही तो है, और एक जो स्पीड बढ़ाए सिंपैथेटिक नर्व्स या नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व्स, तो ये दोनों मिलकर के, क्योंकि विसरल ऑर्गन में मैसेज आ रही है सीएनएस से, है तो ये ऑटोनोमस ही, तो ऑटोनोमस के खुद के दो टाइप हो गए जो एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं। ध्यान से देखिए, दूर से देखिए, जो सीएनएस से मैसेज लाए वो क्या हो गया, जो विसरल ऑर्गन में लाए स्मूथ मसल में लाए वो हो गया ऑटोनोमस। इसके दो टाइप हो गए, जो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करे वो सिंपैथेटिक नर्व्स या नर्वस सिस्टम, जो नॉर्मल करने काम करे नर्व्स या नर्वस सिस्टम, लेकिन बोथ आर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये सीएनएस से मैसेज ला रहे हैं विसरल ऑर्गन में। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के फिर फर्दर दो टाइप है भाई, हर्ट में पढ़ा हुआ है आपने, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नर्व्स, और एक है पैरा सिंपैथेटिक सिंपे एच आ रहा है, बार बार कह रहे हैं स्पेलिंग गलत क्या हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो प्लीज़ जल्दी नोट करो, पीएनएस के दो टाइप हो गए, एक सिंपैथेटिक सोमैटिक, एक ऑटोनोमस, और ऑटोनोमस के दो टाइप हो गए, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। चलें जी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फिर टाइप्स पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको देखो अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एक न्यूरॉन के अंदर एक तो सेल बॉडी होती है, पहले भी बनाया हुआ है, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी मतलब वास्तव में एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म है जिसे न्यूरोप्लाज्म कहा था, याद करो इसमें नीसल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं, सब कुछ याद कर लीजिए। छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली हुई हैं, ये निकली हुई, इन्हीं से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिन्हें आप और हम क्या बोलते हैं, आपने कहा डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स बोलते हैं, भाई ज़रा पेन बदल लें हम एक बार। आ जाओ, तो ये तो सेल बॉडी हो गई, इतना ऐसा ये एक लंबी आउटग्रोथ निकली हुई है, एक्सोन हो गया, फिर एक्सोन की ब्रांच हो गई, याद करो दो ब्रांच थी, फिर इनसे ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं एक्सोन एंड से, ये एक्सोन एंड है, पर इन्हें डेंड्राइट्स नहीं कहते, इन्हें एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स। और एक्सोन टर्मिनल्स लास्ट में, बिल्कुल एंड में एक्सोन टर्मिनल ऐसे फूले हुए हैं,
छोटी छोटी नोब लाइक स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर है, जब भी नोब आता हुआ तो ऐसी स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाती है। तो ये टर्मिनल एंड्स हैं, एक्सोन टर्मिनल्स हैं, एक्सोन टर्मिनल के एंड पर ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक नोब्स, अभी स्पेलिंग लिखने से याद होंगे, ये है एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है, और ये है एक्सोन एंड, आपने कहा जी, और हमने कहा भाई ये है इतना पोर्शन एक्सोन, एक्सोन ये है सेल बॉडी या साइटोन, कई नाम है इसके, सेल बॉडी आपके सिलेबस में है, हमने कहा ये है डेंड्राइट्स, ये है न्यूरोप्लाज्म, ये है निसल्स ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, तो इतनी लेबलिंग हमने कर ली, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए एक्सोन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ध्यान सुनना आप, ज़रा इम्पोर्टेंट है, एक्सोन ये एक्सोन है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, लेकिन कुछ एक्सोन हमारे बॉडी में ऐसे हैं, यानी कुछ न्यूरॉन हमारे बॉडी में ऐसे हैं जिनके एक्सोन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनके ऊपर एक माइलिन कवरिंग चढ़ी हुई है, माइलिन मतलब एक फैटी लेयर चढ़ी हुई है, तो हम माइलिनेटेड बना लेते हैं, माइलिनेटेड का मतलब जिस पर माइलिन कवरिंग हो, जिस पर नहीं हो ये नॉन माइलिनेटेड है, ये अनमाइलिनेटेड एक्सोन है, और अगर हम माइलिन कवरिंग बना देंगे, ये माइलिन की कवरिंग है जहाँ पे जगह जगह उसमें गैप भी हैं, इसे माइलिन सीथ बोलते हैं, ये अपने आप में फैट से बनी है, दिस इज़ द माइलिन सीथ, ये दिस इज़ द माइलिन सीथ, माइलिन सीथ के जगह जगह पे जो गैप है इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ये क्या है, आपने कहा ये माइलिन सीथ है, दिस इज़ द माइलिन सीथ, हमने कहा ठीक है दिस इज़ द माइलिन सीथ। अब ये माइलिन आई कहाँ से, ये माइलिन फैटी लेयर आई कहाँ से, तो एक्सोन के चारों तरफ, एक्सोन के चारों तरफ सेल्स होती हैं, सेल्स लपेट के रखी होती हैं, यानी एक्सोन के चारों तरफ सेल्स हैं, वो सेल ही सिक्रीट करती हैं, वो सेल ही सिक्रीट करती हैं इस माइलिन को, और इन सेल्स का नाम, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी हैं, इन सेल्स का नाम जो इस एक्सोन के चारों तरफ है, देखो एक्सोन ये रहा, ये रही वो सेल्स, यही अंदर की तरफ ये माइलिन सीथ सिक्रीट करती हैं, तो इन सेल्स का नाम है स्वान सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड स्वान सेल्स, तो स्वान सेल्स सिक्रीट द माइलिन सीथ ओवर द एक्सोन, और इन माइलिन सीथ का ये न्यूक्लियस दिखा दिया हमने, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ माइलिन सीथ, ओ सॉरी माइलिन सेल्स, तो दीज आर माइलिन, ओ सॉरी स्वान सेल्स, माइलिन सीथ की लेबलिंग हो चुकी है, ये रही माइलिन सीथ, जगह जगह गैप है नोड ऑफ रेनवियर। अब जो साइटोन के अंदर, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म, उसे तो कह दिया हमने और आपने न्यूरोप्लाज्म, पर जो यहाँ पर है एक्सोन के अंदर, इसे कह देते एक्सोप्लाज्म, नाम रख दिया भाई, है तो कॉमन ही साइटोप्लाज्म, ये एक्सोन क्या है, इसी सेल बॉडी की तो आउटग्रोथ है, पर नाम अलग रख दिया भाई एक्सोप्लाज्म। तो दो पोर्शन हो गए, एक न्यूरॉन के, एक तो हो गया एक्सोन और एक हो गया साइटोन, पर आपके बुक में जो नाम है वो है सेल बॉडी, तो आप सेल बॉडी पहले याद रखेंगे, दूसरे पे याद रखेंगे, और एक्सोन तो आप याद रखेंगे, लेकिन एक्सोन तो दो हो गए भाई, इस पे तो माइलिन सीथ है, ये तो माइलिनेटेड हो गया, माइलिनेटेड, और जिस पे ना हो, माइलिन ना हो, बस स्वान सेल ही हो, माइलिन ना हो, तो नॉन माइलिनेटेड, तो उनकी बात करेंगे अभी, पहले इसकी ज़रा लेबलिंग कर देते हैं भाई। हाँ जी, ये तो हो गया स्वान सेल्स, बहुत से सचवान बोल देते हैं, पर आप स्वान सेल्स बोलना, ये हो गया माइलिन शीथ मतलब कवरिंग, ये हो गया नोड ऑफ
रेनवियर, ये हो गया सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक नोब। अगर हम सिनेप्टिक नोब को एनलार्ज कर लें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको एनलार्ज कर लें इतने पोर्शन को, ये हो गया। आपने कहा थोड़ा सा और एनलार्ज कर लो सर, हमने अभी करते, ये कर लिया भाई आपने। ब्लैक वाला क्या, हमने ब्लैक वाला आपको पता है एक्सोन टर्मिनल्स, तो दिस इज द सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं ये, और इन पाउच में केमिकल्स भरे होते हैं, इन पाउच को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल, वेसाइकल मतलब पाउच को ही कहते हैं, छोटे छोटे सैक को ही कहते हैं, थैलियों को कहते हैं, और इनके अंदर केमिकल भरे होते हैं, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स। आपने के क्या काम करते हैं हमने सीखेंगे नेक्स्ट से, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट में सीखेंगे शायद। एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जब ट्रांसफ़र होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ही करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर डिटेल में सीखेंगे आप, चिंता मत करो, ये तो हमने हिंट दे दिया अभी। न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर्स। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई, ये हो गया एक्सोन एंड। अगर कल एग्जाम में आपके आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये बनाएंगे, ये नहीं बना के आएंगे, ये तो हमने आपको सिखाने के लिए लिखा है, कभी आप इसे भी छाप आओ। हाँ जी, और लेबलिंग आ जाइए, ये क्या था एक्सोप्लाज्म, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक दिखाया तो माइटोकॉन्ड्रियोन, ये हो गए जी डेंड्राइट्स, ये हो गया न्यूरोप्लाज्म, ये हो गया निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये हो गया न्यूक्लियस, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, देखो ये मेम्ब्रेन, ये न्यूरिलेमा, तो मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही न्यूरिलेमा कहलाती है, तो न्यूरिलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, तो दिस इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। तो प्लीज़ जल्दी पहले से नोट कर लो, फिर दो टाइप के एक्सोन जो पढ़ाए हैं उसे लिख देंगे अभी, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, पर ज़रा जल्दी कर दीजिए। आ जाओ बच्चों,
देखना जरा ध्यान से, एक न्यूरॉन ये बनाया है, ये बनाया है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, एक न्यूरॉन ये बनाया है भाई, एक्सोन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोब, डेंड्राइट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए माइलिन सीथ है आपने कहा जी, और हमें नोड ऑफ रेनवेयर भी दिख रहा है हमने, राइट, माइलिन सीथ, यहाँ कोई माइलिन सीथ नहीं है, इनके सराउंडिंग में स्वान सेल्स हैं आपने कहा जी, न्यूक्लियस भी है, स्वान सेल्स यहाँ पर भी हैं, बट नो माइलिन सीथ। तो एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, ये है न्यूरॉन विथ माइलिनेटेड एक्सोन, एक्सोन को नर्व फाइबर भी कहते हैं, माइलिनेटेड है क्योंकि इसके पास माइलिन सीथ है, यहाँ पर नो माइलिन पर न्यूरॉन, तो ये भी है न्यूरॉन विद अनमाइलिनेटेड एक्सोन यानी कि नर्व फाइबर। तो हमारे पास ध्यान से देखिए आप, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ माइलिन सीथ का ही तो डिफरेंस है, बस माइलिन सीथ का ही तो डिफरेंस है। तो ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है यानी एक्सोन है, ये तो हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है जो ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन में आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है या स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, ये तो उनमें पाए जाते हैं। जो हमने अभी पीएनएस पढ़ा याद करो जरा, सोमैटिक और ऑटोनोमस, उनमें ये पाए जाते हैं। तो सोमैटिक और ऑटोनोमस, उसके अंदर कौन मिल रहा है, जो पीएनएस के दो टाइप है, तो उसके अंदर मिल रहे हैं कौन, अनमाइलिनेटेड। तो आपने कहा आप सोमैटिक और न्यूरल ना भी बोले तो आप पीएनएस भी तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमने बेटा सही। तो हमने कहा पीएनएस में लेकिन क्रेनियल और स्पाइनल नर्व भी तो आती हैं, तो पीएनएस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको उसके दो टाइप बोलने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी एक्सोन आर फाउंड इन क्रेनियल नर्व्स, जो 12 पेयर है, एंड स्पाइनल नर्व्स, हमने कहा ये है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन सोमैटिक एंड ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। तो ये क्रेनियल में और स्पाइनल में, ये सोमैटिक में और न्यूरल, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। तो प्लीज़ जल्दी नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चर्चा करते हैं, अभी चर्चा काफ़ी बाकी है। आपने सच हो ना, बिल्कुल सच, झूठ हम बोलते हैं कभी?
आ जाओ। ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। पता नहीं स्कूल में क्या आ जाए, कंपटीशंस में क्या आ जाए, हमें और आपको नहीं मालूम। आपने कहा ये भी तो न्यूरॉन के ही टाइप थे, हमने कहा अब है, बेसिस अलग अलग हो जाते हैं ना। बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन्स, तो एक्सॉन के नंबर पर आपने क्या मतलब, हमने देखो ना मतलब, तभी तो समझ में आएगा। हमने कहा एक तो जो बार बार हम सेल बॉडी बना रहे हैं, देखिए ये तो बना रहे हैं ना, आपको जब भी न्यूरॉन बना के सिखाया जाता है तो ऐसे तो सिखाया जाता है ना। देखो कितने सारे डेंड्राइट्स हैं सेल बॉडी के अंदर आपने, हाँ जी हमने एक्सॉन तो एक है आपने, हाँ जी हमने एक इसे देखना, एक्सॉन तो जरूर होगा, लेकिन यहां पर एक ही डेंड्रोन है, एक ही डेंड्राइट्स है आपने कहा जी। सेल बॉडी है एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, सेल बॉडी है एक एक्सॉन मैनी डेंड्राइट्स, और एक ये है, बस। आपने कहा माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, हमने उसकी बात ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ एक्सॉन की बात हो रही है सिर्फ। तो यहाँ पर जो है पहले उसे लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्या है, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड डेंड्राइट की बाद में लिखेंगे, पहले इतना कॉमन है सब में लिख देते हैं। सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, मेन सेल तो यही है न्यूरॉन, ये तो उसकी आउट ग्रोथ है, मेन बॉडी तो यही है, ये तो आउट ग्रोथ है, ये निकल रहा है एक्सॉन, ये निकल रहे देखो एक्सॉन टर्मिनल्स। हाँ जी, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड की बात बाद में करेंगे। सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड, एंड की बात बाद में करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर, इसके अंदर इस वाले को देखो, सेल बॉडी है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है, कोई डेंड्राइट नहीं है, एंड विदाउट, विदाउट डेंड्राइट्स कोई गुच्छा नहीं है फाइन थ्रेड्स का। ध्यान से देखिए, एक ही आउटग्रोथ है लंबी सी, बस एक्सॉन एक, एक तो जरूर होगी आउटग्रोथ, बाकी दूसरी आउटग्रोथ हो या ना हो, डेंड्राइट आउटग्रोथ हो या ना हो, क्योंकि दो आउटग्रोथ है, एक्सॉन तो बड़ी आउटग्रोथ है, लंबी आउटग्रोथ है, डेंड्राइट छोटी आउटग्रोथ है, तो यहाँ छोटी आउटग्रोथ तो कोई है ही नहीं। सेल बॉडी विद सिंगल और वन एक्सॉन, देखो सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, वन एक्सॉन तो सब में होगा, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, ये तो सब में है, पर विदाउट डेंड्राइट्स तो एक ही है, एक ही है, एक ही पोल से, बस एक ही पोल से आउटग्रोथ निकल रही है, एक मतलब यूनि पोल से, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, एक है तो न्यूरॉन, एक से ज़्यादा है तो न्यूरॉन्स हो गया। एक आउटग्रोथ तो यहाँ भी है, पर डेंड्राइट एक ही है, तो छोटी हो चाहे बड़ी, पर दो पोल से निकल रहे हैं ना, आउटग्रोथ तो दो पोल से है ना, यहाँ तो एक ही पोल से है, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स, बाई मतलब दो, दो पोल से निकल रहे हैं आउटग्रोथ, छोटी चाहे बड़ी, पर हमें पता है एक बड़ी है एक्सॉन और एक छोटी है, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स, तो बाईपोलर न्यूरॉन में क्या है, सेल बॉडी एक्सॉन तो जरूर, एक्सॉन तो कॉमन है, पर सिंगल एंड वन डेंड्राइट्स
वन डेंड्राइट्स, दिस इज बाइपोलर, दिस इज बाइपोलर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस समय ये क्या है, इस समय सर ये यूनिपोलर है हमने, राइट, दिस इज यूनिपोलर। पक्की बात आपने कहा जी, पक्की बात, दिस इज यूनिपोलर हमने कहा। अब आपने कहा बाइपोलर, हमने कहा अब आपने कहा बाई तो हो चुका था, हमने कहा जब एक एक्जोन, जब एक एक्जोन, नीले पेन से लिख देते हैं, जब सारे नीले लिख रहे हैं, सेल बॉडी एक्जोन, देखो जब एक भी डेंड्राइट ना हो तो यूनिपोलर, एक डेंड्राइट हो तो बाइपोलर, जब दो या दो से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा हो तो इसे मल्टीपोलर। तो हम हमेशा क्या बनाते हैं समझाने के लिए, मल्टीपोलर ही बनाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा हो तो मल्टीपोलर कहलाता है। एंड एंड टू, अगर वन डेंड्राइट होगा तो बाई में आएगा, दो डेंड्राइट या उससे ज़्यादा कितने भी हों, टू और मोर डेंड्राइट्स, तो ये किस में आएगा, आपने कहा ये मल्टी पोलर में आएगा। तो दिस इज मल्टी मतलब मैनी, मल्टी पोलर न्यूरॉन्स। तो मल्टी पोलर में मिनिमम तीन तो आउटग्रोथ ज़रूर होंगी, आपने कहा क्या मतलब, हमने दो तो यहाँ है ही, दो पोल से, यहाँ तीन पोल से तो ज़रूर होंगी, ये मल्टीपोलर में ही तो आएगा, अब कर देंगे तो बाइपोलर में आएगा, पर तीन तो आउटग्रोथ होंगी होंगी, दो छोटी एक बड़ी, एक्सोन तो कॉमन है। तो जब दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट हो तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो अच्छे समझ में आ गया, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, आपने कहा जी। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हम मदर की बॉडी में ग्रोइंग स्टेज में थे, मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहे थे, ये तब हमारे नर्वस सिस्टम में थे, ये हमारे आज रेटिना में। अब आई का तो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आई के अंदर ये हमारी अपर आई लिड है, लोअर आई लिड है, ये आई लेसेस है, सबसे अंदर की लेयर रेटिना कहलाती है। पर हम 12th के बाद क्रैश कोर्स में करेंगे सब कुछ, आई भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये रेटिना के अंदर है और ये हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन की जो कवरिंग है, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन का जो सरफेस है ना, इसे सेरिब्रल कोर्टेक्स कहते हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स। तो हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सेरिब्रल कोर्टेक्स में कौन है, मल्टीपोलर है। तो मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरी, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं जिससे आपको दिख जाए साफ साफ, सेरिब्रल कोर्टेक्स यानी ब्रेन की कवरिंग, ब्रेन का सरफेस। आप ब्रेन भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, पर आप प्रॉपर लिखना सेरिब्रल कोर्टेक्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये कई बार नीट में पूछा गया है, बाइपोलर कहाँ मिलते हैं, तो रेटिना लेयर ऑफ आई। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई, ये याद रखेंगे, रेटिना ऑफ आई में है बाइपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन या ड्यूरिंग, इन्हें चला देते, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। इफ सेल बॉडी हैज वन एक्सोन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर, found in cerebral cortex. If cell body consists of one axon and one dendrite, this is called bipolar, found in retina of eyes. When cell body consists of one axon only, no dendrites, this is unipolar, found in embryonic stages. तो अच्छे समझ में आ गया।
इसे कॉपी कर लें इसे। अब ये न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज चलता है ना नर्व इम्पल्स, जैसे हमने टच किया, तो हमेशा याद रखिए नर्व इम्पल्स साइटोन से सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ चलती है नर्व इम्पल्स हमेशा। तो नर्व इम्पल्स कैसे बनती है, कैसे आगे कंडक्ट होती है, कैसे आगे चलती है, यानी फिजियोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। आपके स्कूल में ज़रूर आपके सर को देना चाहिए और देते हैं हर साल, इस बार का पता नहीं है, पर नर्व इम्पल्स कैसे बनती है और कैसे नर्व इम्पल्स एक्सोन एंड की तरफ जाती है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल पहले जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बच्चों, मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, नमस्कार।